हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑल वीडियोस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ड्राइविंग रिलेटेड इश्यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा, अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है कि एप्लीकेशन नंबर इज़ अप्रूव्ड, स्लॉट बुकिंग इज़ नॉट अलाउड, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी का सल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। सो इसमें कुछ कुछ अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंड तक देखना वीडियो और मैं आपको बताऊंगा कि कभी आपको आरटीओ विज़िट करना है इसके लिए। सो देखो, इस तरीके का आपको जो है एरर आता होगा एक डायलॉग बॉक्स में, इस तरीके के मतलब एप्लीकेशन जो भी आपका नंबर है वो अप्रूव्ड आता है, स्लॉट बुकिंग इज़ नॉट अलाउड, ये जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वहाँ पर मैंशन होता है, ठीक है। सो ये कब होता है, जब भी आपने मल्टीपल क्लास ऑफ व्हीकल को सिलेक्ट किया होगा तभी ये प्रॉब्लम होता है, और सेम डे पे अगर बुकिंग ना हो, स्लॉट बुकिंग, तभी ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। मान लीजिए आपने पहला टेस्ट दे दिया, लेकिन उसके बाद जब भी आप दूसरे क्लास ऑफ व्हीकल के लिए स्लॉट बुक करने जा रहे हो तभी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम आएगा और आपको दिखाएगा, अगर आपने क्लियर कर लिया आपका टेस्ट, तो मान लीजिए अगर आपका आज कार का टेस्ट था, आपने कार का टेस्ट दे दिया और अगली बार आप स्लॉट बुक करोगे बाइक के लिए, लेकिन उस केस में स्लॉट बुक हो ही नहीं रहा है क्योंकि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है। सो ये देखिए, LMV, MCWG, इस तरीके से कुछ आपके लाइसेंस में मेंशन किया जाता है अगर आप सक्सेसफुली क्लियर कर लो तो। अगर ये पॉसिबल इश्यूज जो है ये कभी आएगा ही नहीं अगर आपने एक ही दिन में स्लॉट को बुक किया है तो। मल्टीपल डेज में, मतलब मल्टीपल डेज इन द सेंस अलग अलग दिनों में किया होगा, ऑल्टरनेट डेज पे या कोई भी रैंडम डेट्स पे, तो ये प्रॉब्लम शायद तक आपको आ सकता है। ओके, सो वही डिस्कस करेंगे। और इस केस में मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 100% ये जो है इजीली आपका घर बैठे बैठे सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए आपको RTO भी विजिट करना पड़ सकता है। देखो मैं बता देता हूँ, अगर आपका लाइसेंस प्रिंट होके घर पे आ चुका है, डिलीवर हो चुका है आपके घर में, ठीक है, और आपको पता है कि आपने अभी तक बाकी चीज़ों का टेस्ट नहीं दिया है, किसी एक ही क्लास ऑफ व्हीकल का दिया है, तो उस केस में आपको देखना है कौन सा क्लास ऑफ व्हीकल आपका जो है प्रिंट होके आया है आपके DL में, यानी आपके ड्राइविंग लाइसेंस में। सो अगर LMV आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4-व्हीलर भी चला सकते हो, 2-व्हीलर भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, है ना। हाँ, अभी आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई LMV है तो 2-व्हीलर कैसे चला सकते हैं, 4-व्हीलर ही चला सकते हैं। तो देखो, नया गाइडलाइन आया हुआ है गवर्नमेंट का, जिसके अकॉर्डिंग आप 7500 किलोग्राम्स, यस 7500 किलोग्राम्स के जो भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उसको आप चला सकते हो, यानी आप 2-व्हीलर भी चला सकते हो, 4-व्हीलर भी चला सकते हो, ठीक है। सो 2-व्हीलर में अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि विदाउट गेयर या विद गेयर, तो दोनों भी आप चला सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास LMV प्रिंट होके आ चुका है लाइसेंस, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बाइक का बुक किया है पहला टेस्ट प्लॉट, और उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया था कि बाद में LMV का करूंगा मैं, तो उस केस में MCWG के साथ आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, तो उस केस में क्या होगा फिर। अगर अप्रूव हो चुका है मतलब आप ना तो आगे स्लॉट बुक कर सकते हो ना कैंसिल कर सकते हो, आपने पेमेंट किया होगा 300 रुपीज़ का ईच सिलेक्टेड व्हीकल्स के लिए, यानी LMV के लिए भी आपने 300 पेमेंट किया है और MCWG के लिए भी आपने जो है 300 पेमेंट किया, यानी टोटल आपने 600 पेमेंट किया ही होगा, मे बी हर स्टेट में यही रेट होता है। तो अगर LMV आपने किया हुआ है पेमेंट उसका जो 300 होता है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ आपको, ठीक है, अगर आपने नहीं भी टेस्ट दिया, आपने छोड़ दिया ऐसे ही, आपके पास लाइसेंस आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि LMV के साथ अभी आप बाइक भी चला सकते हो। लेकिन क्या होगा कि आपका बाइक का जो है MCWG प्रिंट होके आ गया और अभी आप 4-व्हीलर तो नहीं चला सकते, MCWG पे ये बात तो पक्की है कि आप 4-व्हीलर नहीं चला सकते, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखो आपको RTO को विजिट करना ही पड़ेगा, उस केस में आपको जाना ही पड़ेगा, या तो दूसरा भी एक है यहाँ पे ऑप्शन, एंडोर्समेंट का ऑप्शन आता है, ठीक है। सो एंडोर्समेंट के ऑप्शन में क्या होता है, आपको दोबारा से ज़्यादा फीस देनी पड़ती है जो भी आपने पेमेंट किया था इश्यू ऑफ ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ध्यान से सुनना, कुछ भी स्किप मत करना, शायद आपके काम की चीज़ है और आपका इश्यू यहाँ पर सॉल्व हो भी सकता है। अगर ठीक है, अगर आपको कोई इश्यू नहीं है ज़्यादा पैसे भरने में, मतलब ज़्यादा इन द सेंस टेस्ट के पैसे फिर से भरने होते हैं और कुछ नहीं, तो एप्लीकेशन का चार्ज रहता है उसमें और टेस्ट के पैसे फिर से आपको फ़ीस जो है उसकी भरनी पड़ती है, तो वो वापस सिलेक्टेड क्लास ऑफ व्हीकल्स के अकॉर्डिंग वो 700 में भी हो जाता है, आपका 1000 के नियर बाय में भी हो जाता है। लेकिन वो देखा जाए तो लीगली आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ग्लिच है, वेबसाइट का ही प्रॉब्लम है कि आपका टेस्ट बाकी है, आपका LL एक्सपायर हुआ नहीं है, आप स्लॉट बुक कर नहीं पा रहे हो, ठीक है,
बुकिंग ही अलाउड नहीं दी जा रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्लॉट बुक कर दिया है लेकिन उसके बाद आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, तो क्या आपको टेस्ट देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक एप्लीकेशन पे एक ही लाइसेंस प्रिंट होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आपने अलग अलग क्लास ऑफ व्हीकल डाला है तो आपको MCWG के लिए अलग लाइसेंस का कार्ड आएगा, आपको LMV के लिए अलग कार्ड आ जाएगा, MCWOG के लिए अलग कार्ड आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता है। वो होल्ड पर रहता है आपके वेबसाइट पर, वहाँ पर आता है प्रिंट होके कि आपने पास कर लिया है। और कुछ उसमें 3 स्टेज होते हैं, मतलब वहाँ पर प्रिंट इन DL और उसका कुछ तो भी बैज लिखा हुआ आता है, वैसा तो वैसा कुछ लिखा हुआ आता है वेबसाइट पर वहाँ पर, लेकिन अलग अलग कार्ड आपको नहीं मिलता है उस केस में। तो अभी MCWG की अगर मैं बात कर रहा हूँ, MCWG का आपने क्लियर कर दिया और आपको जो है LMV का प्रिंट होकर नहीं आया है, तो उस केस में तो भाई प्रॉब्लम तो है ही, आपको RTO जाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्विटर पर ट्वीट कर दोगे नॉर्थ इंडिया को, या फिर आप करोगे किसी को भी नितिन गडकरी को ट्वीट कर दो, तो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। या फिर आप सोच रहे हो कि मेल कर देंगे किसी भी RTO के स्टाफ को, तो वो भी काम आने वाला नहीं है। इन सबको उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये आपको 1% का भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये गारंटी है। इवन मैं ये तक भी कह सकता हूँ कि अगर आप RTO जाओगे तो वो आपको अच्छे से वहाँ पर रिस्पॉन्स भी ना करे, रिप्लाई भी ना दे, या फिर एक ही चक्कर में आपका काम ना हो, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो देखो क्या है, क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशन रख ही नहीं सकते, इनका कामकाज पूरा खोखला है, पूरा खोखला होता है इनका कामकाज जो भी होता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन तो कर दिए, लेकिन ऑनलाइन में इतना ग्लिच है कि इनको बताए कौन। अभी कितना आप इनको इन्फॉर्म करने की कोशिश करोगे, ये कोई काम के नहीं है, ना काम के हैं ना काज के, दुश्मन अनाज के और पैसे के, इतना ही समझ लीजिए आप। आप इनको रीच करने की कोशिश करोगे, ये कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है। मैं तो महाराष्ट्र का केस बता रहा हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पे एप्लीकेशन एंडोर्समेंट करके एक स्टेज आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप एक्स्ट्रा फीस देके करना चाहते हो तो। इसमें होता क्या है, ड्राइविंग टेस्ट का आपको फिर से दोबारा से पैसा देना पड़ता है, आपका नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, ठीक है, नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखो आप LMV के लिए ड्राइविंग टेस्ट जो है 300 रुपया है, और आप दूसरा अगर अलग अलग COVs आपने सेलेक्ट करके रखा है तो वो, और आपका जो भी टोटल होता है टोटल अमाउंट, उसमें और भी अलग अलग तरीके के चार्जेस ऐड हो जाते हैं, मतलब 1000 नियर बाय आप समझ जाओ वो खर्चा आपको अलग से आने वाला है। लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि आप RTO में जा सको और वहाँ से ही जो है, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी होता है, अगर स्लॉट का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनका स्टाफ का अलग से एक लॉगिन होता है पोर्टल पर, ठीक है, जो RTO ऑफिशियल्स ही कर सकते हैं, तो मे बी वो कुछ हेल्प कर दे। हालांकि एक्सपेक्टेशन तो है नहीं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है ना। सो आप विदाउट RTO में, विदाउट एजेंट जा रहे हो RTO में, तो थोड़ा तो आपको सहन करना पड़ेगा। अगर भी एजेंट जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, तो सारा काम इजीली हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको 3 से 4 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है और आपका काम हो जाता है। सो ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन हमने लीगल वे में गया, हमें एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है, इसलिए हमने सब कुछ लीगल वे में किया। अगर आपके पास सच्ची में स्किल्स है ड्राइव करने की, तो आप एक्स्ट्रा पैसा क्यों दोगे। सो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन अप्रूव्ड का आएगा, LMV है आपके पास, प्रिंट होके आ गया है, MCWG नहीं आया तो कोई बात नहीं है, न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग LMV पे आप बाइक चला सकते हो, स्कूटी चला सकते हो, नॉन ट्रांसपोर्ट 7500 किलोग्राम्स के अंदर के जितने भी व्हीकल्स आते हैं वो सारे आप ड्राइव कर सकते हो। उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है नया गाइडलाइन नया रूल में चाहिए, तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं, या तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज, मैं समझता हूँ कि मैंने यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली है। एंडोर्समेंट का एक प्रोसेस होता है, वो कर सकते हो, या फिर आप RTO जाके विजिट कर सकते हो। अगर LMV प्रिंट होके आ चुका है तो आपको कहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, LMV से आप समझ लो आप किंग हो। अभी आप जो है सारा व्हीकल ड्राइव कर सकते हो, हैवी मोटर व्हीकल नहीं ड्राइव कर सकते, जैसे कि ट्रैक्टर ट्रॉली हो गया, या फिर बुलडोज़र वगैरह हो गया, या क्रेन हो गया, फॉर्कलिफ्टर हो गया, अदर हैवी कैटेगरीज में जो भी आती है, जैसे हैवी बसेस हो गए, स्कूल वैन हो गए, जिसका वेट जो है 500 से ज़्यादा है, वो आप नहीं ड्राइव कर सकते। तो उसमें HMV के अलग अलग कैटेगरी आती है, जैसे उसमें भी 2 अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। सो जिसमें अगेन बस का भी एक अलग से होता है, ट्रैक्टर ट्रॉली का होता है, बुलडोज़र का होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन में जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन वाले व्हीकल्स आते हैं वो अलग होता है, तो उनका वेट की वजह से जो होता है वहाँ पर कैटेगराइजेशन अलग अलग हो जाता है। सो जब एंडोर्समेंट कब करते हैं, बेसिकली जब हम लोग अपग्रेड करते हैं, जैसे LMV से HMV गए, या फिर MCWG से हम लोग LMV में आ गए, तभी। अगर आप नीचे के लिए जा रहे हो, जैसे LMV से आपको
बाइक का चाहिए तो उसमें एंडोर्समेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है नए गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके पास आप ऑलरेडी उन चीज़ों को अभी चला सकते हो। लेकिन होता क्या है, आपने पेमेंट किया है तो आपने फ़ीस भी भरा है, तो आपको डबल फीस तो भरना नहीं चाहिए एंडोर्समेंट के लिए भी, और प्रिंट होना चाहिए। स्लॉट बुकिंग अलाउड नहीं है तो वो उनका प्रॉब्लम है, मतलब वहाँ पर प्रॉब्लम है। सो आपको आपके हक के लिए लड़ना चाहिए एनी हाउ, चाहे तो आप RTO विज़िट करो, आप कंप्लेंट करो। मैंने खुद ने किया था कंज्यूमर कंप्लेंट, XYZ बहुत सारे ऐसे पोर्टल है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, कोरा में भी देखा है, बहुत कुछ देखा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मतलब आप अपना बेस्ट दीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता, आप अपना बेस्ट दीजिए, जहाँ पर सोशल मीडिया पर आप रीच कर सकते हो आप करो, ट्राई करो, ठीक है। और साथ ही मैं ये बोलूँगा कि फिज़िकल विज़िट ज़रूर करो, वहाँ पर जाके अपना प्रॉब्लम भी बताओ। मोस्टली हो सकता है वो एंटरटेन ना करें, लेकिन आप सारा प्रूफ लेकर जाएंगे तो शायद वो आपको एंटरटेन करेंगे। आप फी रिसिट मेरा मतलब जो पेमेंट किया है आपने, आप उन्हें वो दिखाओ और बताओ कि स्लॉट बुक किया है मगर एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, XYZ ऐसा प्रॉब्लम है, तो शायद वो आपकी कुछ उनके इसमें हेल्प कर सके। सो गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। सो कोई लाइक अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से आप लाइक करो, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।